ग्रीन हल्क मार्वल का सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो किरदार है, जिसे टक्कर देने के लिए एक रेड हल्क को बनाया गया है। ग्रीन हल्क के ह्यूमन वर्जन में ब्रूस बैनर है, जबकि जनरल थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क बनते हैं। रेड और ग्रीन हल्क के बीच हमेशा से जंग चली आ रही है। जनरल रॉस ब्रूस बैनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और उनकी दुश्मनी कॉमिक बुक के साथ इनक्रेडिबल हल्क फिल्म में भी दिखाई गई थी। आज उसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर दोनों हल्क में कौन है ज्यादा पावरफुल। रेड हल्क ग्रीन हल्क को किसी भी कीमत पर हराना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मॉडोक नाम के सुपर विलन से समझौता कर खुद को रेड हल्क में बदला है। यही नहीं, मॉडोक ने रॉस की बेटी को शी रेड हल्क में बदल दिया था। हर जगह रेड हल्क आतंक मचा रहा था, जिसे रोकने के लिए ग्रीन हल्क और थोर को एक साथ आना पड़ा। दुर्भाग्य से रेड हल्क वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पावर के मामले में यह ग्रीन हल्क को भी मात दे देता है, जो इंटेलिजेंट आंखों से लेजर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एक तरफ गुस्सा ग्रीन हल्क को शक्तिशाली बना देता है, तो दूसरी तरफ गुस्से के कारण रेड हल्क का खून उबलने लगता है, जो उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। और अधिक गुस्से के कारण रेड हल्क मर भी सकता है, और ये बात ज्यादातर ऑडियंस को नहीं पता होगी। जब दोनों हल्क के बीच फाइट ज्यादा देर तक होगी तो ग्रीन हल्क ही जीतेगा, क्योंकि अधिक गुस्सा होने के कारण रेड हल्क कमजोर पड़ जाएगा। यदि फाइट की अंतराल कम होगी तो यकीनन रेड हल्क ही जीतेगा, लेकिन फाइट लंबे टाइम तक चली तो रेड हल्क का हारना तो है। वैसे दोनों हल्क में से कौन है आपका फेवरेट? तो ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।